नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती सिर्वे। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हम बात कर रहे हैं प्याज के आसमान छूते दामों की। एक बार फिर आम जनता को प्याज रुलाने लगा है। बाजारों में इस समय प्याज 60 से 70 रुपए बिक रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि प्याज के दामों में और बढ़ोतरी होगी। जहां व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है, तो वहीं आम जनमानस भी प्याज के बढ़ते दामों को लेकर खासा परेशान है। वहीं जो लोग 5 से 10 किलो इतने दामों में प्याज खरीद लेते थे, वहीं अब उन्हें 1 से आधा किलो में संतुष्ट होना पड़ रहा है। आज प्याज 20 रुपये किलो बिकने रही, आज 60 रुपये किलो बिक रही है जी। खाली यहाँ बाढ़ आने के और नाते को खंडुआ साइड से जी प्याज आती है, वहाँ से भी आमदनी बहुत कम है और इसकी संभावना अर्थ प्रदेश ही शासन जान सकती है किस विषय में जी इतनी टाइट बिक रही है जी प्याज। अब इसमें तो व्यापारी लाता है और बेच देता है। क्या किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है व्यापार में? व्यापार में यही पड़ रहा है जी, मौसम के चक्कर में भी और बाढ़ भी आ रही है, इसके आधार में जी पूरा 90% चल रहा है। ग्राहक क्या बोलता है आपसे, क्या स्थिति है यहाँ पे? दोनों दिन प्याज के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आज 60 रुपये बिक रही है, कल और महंगी हो जाएगी। इसमें दोनों दिन ऐसा रहेगा तो आम पब्लिक को क्या होगा? ये सब माल जो एक जो इसमें है, तो ये सब माल दबा दबा के रखे हैं प्याज, इसको प्रशासन को देखना चाहिए कि इनको कहाँ कैसा क्या कर रहे हैं। ये कुछ इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं करेंगे तो आगे चल के प्याज के दाम और ज़्यादा आसमान छूएंगे। बाजार प्याज लेने जाओ तो बस कोई अभी तो 60 रुपये है, और बोलिए तो और ज़्यादा ऊपर जाएगी प्याज। जबलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।